कि ये देश जो है, देश में जब जब नागपुर की विचारधारा डेवलप हुई है, तभी तभी जो बहुजन हितेशी वो लोग हुए हैं, जो मूवमेंट के लोग हैं, उन्हें साजिश के थ्रू जेल भेजना काम किया गया है। और उनमें से ये एक छोटा सा सिपाही मैं भी हूँ, तो मेरे साथ भी किया गया, षड्यंत्र के थ्रू मुझे जो है जेल भेजा गया, झूठे मुकदमे लगाए गए, जेल में प्रताड़ित किया गया, मेरी मतलब जो मेरे राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन देता वो सब छीन लिए गए। तो इससे मुझे इसलिए कोई परेशानी ज़्यादा नहीं है कि उनके लिए उन्होंने ये मेरे लिए अभिशाप बनाया था, लेकिन ये वरदान मेरे लिए बन गया जी। क्योंकि लोगों ने देखा किस तरह से एक समाज के एक छोटे बच्चे को, एक भाई को, एक बेटे को किस तरह से उनके परिवार के व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है जी। उसको जबरन जेल में रखा जा रहा है, उसको बीमार होने पर दवाई भी नहीं दे रहे हैं, उसको परिवार से नहीं मिलने दे रहे हैं, और अगर वो अपनी बात कह देता तो उसका जेल से बाहर निकलना बंद कर दिया। तो ये सब चीज़ें लोगों ने देख ली है, उनकी समझ में आ गया कि जो सरकार है, ये उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जो सबके साथ सबके विकास की बात करती, ये दलितों के विनाश का काम कर रही है। क्योंकि दलित समाज के जब नौजवान को बंद करेगी, जो नौजवान देश के विकास में भागीदारी करेंगे, तो इसका मतलब ये नुकसान कर रही है। तो ऐसी सरकार ने ये कर तो दिया, इन्हें झेलना पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि दलित समाज पूर्ण रूप से इनके खिलाफ हो गए इस घटना के बाद।